Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं बाकी confirmation देंगे. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं बाकी confirmation दो यार. Is audibility absolutely fine to each and everyone? जल्दी fast. Good evening Swati. Good evening Nirmal. Good evening Dinesh. Good evening Pradeep. Good evening Dinesh. Suman. Vishu. Abhinav. Good evening Shiv. शिवानी गुड इवनिंग सोनाली गुड इवनिंग संजीत हनी माया ऋषिका और कौन कौन है भाई मृगाक्षी गुड इवनिंग गुरुजी आज गरबा खेलने गए हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है नहीं बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत में ना जाए है ना ये तो प्रेत पड़ जाएंगे पीछे ज्यादा प्रतीत में नहीं जाना ठीक है और कौन है सुपर कोचिंग एजी टेस्ट बुक हेलो 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 गुड इवनिंग गाइस गुड इवनिंग सृष्टि चलो बहुत बढ़िया हेलो सर मोहित सर कहाँ है मोहित सर कहाँ है बहुत बढ़िया पकौड़ी खाने चले गए सर शायद अबे पकौड़ी क्या है पकौड़ी का टाइम है ये चलो आ जाओ चलिए बहुत बढ़िया सो द थिंग इज कि गाइस यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू द इंडियाज मोस्ट अमेजिंग सेशन फॉर इलेक्ट्रिकल ए एंड जे एग्जाम ऑफ दिस कंट्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ए और जे एग्जाम के इंडिया के बेहतरीन सेशन में आप सभी लोगों का अमेजिंग सेशन में आप सभी लोगों का बहुत हद तक स्वागत है और गाइस इस सेशन में पिछले डेढ़ साल से भी ज्यादा से कंटिन्यूसली हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो पिछले डेढ़ साल में गाइस ये चीज हम लोगों ने देखी है कि जितने भी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करे सभी एग्जाम में हमको देखने को मिला है और इस सेशन के अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं अपने बेहतरीन एग्जाम के लिए जिसका नाम है DRDO सेप्टम ठीक है तो DRDO सेप्टम के लिए हम बेहतरीन तरीके से टारगेट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर एग्जाम के बच्चे हैं जो अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जैसे SSC JEE मध्य प्रदेश सब नियर सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा गाइस ये सेशन तो ये सेशन देखना ना भूलें जिन बच्चों ने पिछले एक साल में एग्जाम दिया होंगे उनको ये बाखूबी पता है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा इन अ कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मैटर ऑफ बैटरी द चार्जिंग करंट फ्रॉम डिस्चार्ज टू अ फुली चार्ज कंडीशन इंक्रीजेस डिक्रीज आज थोड़ा सा 5 मिनट में लेट हो गया है ना थोड़ा सा वो क्लास यूट्यूब की गलती थी एक्चुअली अपनी गलती नहीं थी यूट्यूब की गलती थी एक्चुअली यूट्यूब की गलती से क्लास चालू नहीं हो पा रही थी तो यूट्यूब की गलती थी यूट्यूब की गलती यूट्यूब जाने है ना अपन को टाइम से आते हैं आप लोग भी टाइम से आते हो मैं भी टाइम से रहता हूँ तो यूट्यूब की गलती थी एक्चुअली ना आपकी गलती थी ना मेरी गलती थी चलिए सो गाइस इन अ कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड ऑफ अ बैटरी द चार्जिंग करंट फ्रॉम अ डिस्चार्ज टू अ फुली चार्ज कंडीशन तो चार्जिंग करंट एक डिस्चार्ज से फुली चार्ज कंडीशन में क्या होता है बढ़ता है घटता है तो गाइस डिस्चार्ज से फुली चार्ज कंडीशन में चार्जिंग करंट हमारा घटने का काम करने लगता है क्लियर है घटने का काम कितना इग्नोर कर रहे हैं अरे नहीं कर रहे यार इग्नोर मुंह ऐसा कर दिया टेढ़ा उसको वापस उसने फोर्स लगा के पट 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 करके सीधा करो वापस उसको ले लीजिए गुड इवनिंग कमल गुड इवनिंग पलक गुड इवनिंग अपूर्व गुड इवनिंग सुनील नहीं टेक इशू तो टेक वो होता था गुड इवनिंग हनी चलो आ जाओ तो मुंह ऐसा टेढ़ा हो जाए तो मार मार के वापस सीधा ऐसा कर लेना चाहिए गुड इवनिंग उमेश चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ गुड इवनिंग स्वाति चलिए दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर्स हैं जो कनेक्टेड सीरीज में टू अ पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स और डिसिपेट करते हैं 40 वॉट की पावर व्हाट इज विल बी द पावर डिसिपेटेड इफ सेम टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो गाइस अगर आपके सामने एक वोल्टेज सोर्स है ठीक है आपके सामने एक वोल्टेज सोर्स है गुड इवनिंग राजदीप अब मुंह सही हो गया बहुत बढ़िया हाँ तो ऐसा करके मार लिया करो साइड से और जो जो है ना बस ध्यान रखो बाकी लोगों को मैंने ट्रिक बता दिया कभी कोई ऐसा मुंह टेढ़ा करे तो क्या करना चाहिए सर यार क्या पढ़ाते हो कभी तो सपने में भी आपकी क्लास चलती है क्या बात है केशव भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सपने में और चीजों को देखने की आदत डालो नहीं तो जीवन के और चीजों में दिक्कतें होने के चांसेस हो जाते हैं कभी कभी है ना बाकी मेरी क्लास तो चलती रहेगी चिंता मत करो ठीक है जब रेड फेस हो तब बताएंगे कभी रागिनी इसके बारे में बताएंगे चलो तो गाइस दो इक्वल वैल्यू है रेजिस्टर्स की दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स से और डिसिपेट करते हैं पावर 40 वोल्ट व्हाट इज द अच्छा दोनों इक्वल रेजिस्टर हैं तो दोनों इक्वल रेजिस्टर हैं तो बेटा क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू 2R मान लो एक रेजिस्टर की वैल्यू इतनी है तो आई स्क्वायर इंटू 2R कितना निकल के आ जाएगा 40 वॉट निकल के आ जाएगा तो बेटा आई स्क्वायर आर कितना निकल के आ रहा है 20 वॉट निकल के आ रहा है कितना निकल के आ रहा है 20 वॉट अब क्या करा दोनों रजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो जब दोनों रजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो यहां से तो करंट इतना ही जा रहा है तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद दोनों रजिस्टर के अंदर पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद आई है ना तो जो पावर निकल के आने वाली है वो कितनी आ जाएगी पावर कितनी निकल के आ जाएगी यार तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R by 2 है ना रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R by 2 तो R by 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा I square into R by 2
200 वाट है, तो आई बाई टू कितना हो जाएगा, नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर, क्लियर है? तो नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर सर, ऐसा होगा क्या? अबे नहीं बे लल्लुओं, आई स्क्वायर टू आर जो है वो हमारा 40 वाट है, तो आई स्क्वायर आर कितना निकल के आया 20 वाट, अब आई स्क्वायर आर बाय टू हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 20 में भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये 10 वाट निकल के आ जाएगा। तो पैरेलल में जो पावर होती है बेटा वो 10 वाट निकल के आ जाती है, पैरेलल में जो पावर है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 10 वाट निकल के आ जाएगी। सर क्या बात कर रहे हो, हां भैया बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, सप्लाई होती है 220 वोल्ट एसी वोल्टेज से, आरएलसी दिया है, क्वालिटी फैक्टर निकालना है इंडक्टर का, वो भी रेजोनेंस पे, जल्दी करेंगे। 160 होगा, कितने लोगों को लग रहा है 160 होगी पावर, कितने लोगों को लगता है 160 होगी पावर, कितने लोगों को लग रहा है 160 होगी, चलो आपके लिए हरा हरे में भी 160 दिया हुआ है, कितने लोगों की पावर 160 होगी, कितने लोगों को लगता है, हैं? अरे मूर्खों कैसे होगी 160 कैसे हो जाएगी, करो जल्दी। बात तो सही है वैसे आप लोगों की, 160 तो ठीक है, देखना चाह रहा था कितने लोग 10 निकालते हो। अबे गधों, यहाँ पे दो इक्वल वैल्यू के रजिस्टर लगे, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स से, तो डिसिपेट करते हैं 40 वाट, ठीक है, व्हाट इज द पावर डिसिपेट इज द सेम टू, तो है ना, तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। पावर कैसे बढ़ जाएगी जरा वो बताता हूं, पहले दोनों रजिस्टर को मेरे लाल सीरीज में लगाया था आर और आर, तो एक रजिस्टर के पास वोल्टेज वी बाई टू पहुंचता था, ठीक है, तो टोटल पावर कितनी निकल के आती थी, वी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू, है ना, वी बाई टू का, इसके पास वी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू आर, और ऐसे ये टू इंटू वी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू आर ये निकल के आता था, तो ये कितना हो जाता था, वी स्क्वायर बाई टू इंटू आर ये निकल के आता था कितना 40, तो यहां से वी स्क्वायर आर कितना निकल के आता था 80। अब दोनों को पैरेलल में लगा दिया तो दोनों के पास वोल्टेज बढ़ गया, कितना कितना हो गया, वी वी हो गया, तो पावर कितनी निकल के आ जाएगी, वी स्क्वायर बाय आर और इंटू वो भी कितना 2, है ना, तो वी स्क्वायर बाय आर 80 है, तो 80 इंटू 2 कितना होता है मेरे लाल, 160 होता है। यहाँ पे करंट के टर्म्स में पावर नहीं निकालनी होती, यहाँ पर वोल्टेज के टर्म्स में पावर निकालनी होती है, ठीक है, पहले अच्छे से बोलते हो फिर एकदम से बेइज्जती कर देते हो, यही तो है जीवन, यही तो जीवन है, यही तो जीवन है, नहीं नहीं है, यही जीवन है। आ जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है जरा एक सेकंड रुकना, सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है जरा एक सेकंड रुकना, हो गया बेटा तुम लोगों का, नहीं हो गया तुम लोगों का, जो जो तुम लोग कर रहे हो ना ऐसा तुम लोगों के साथ कर दूंगा मैं, कौन बोला ये खिड़की के बाहर फेंक दो उसको, हैं? और कौन बोला रे कचौड़ी में सब्जी डाल के खिलाऊं, हैं? और कौन बोला बर्फ घिसूं, आ जाओ बेटा बर्फ तेरे ऊपर ही घिसता हूं उल्टा लेट जल्दी से, आओ तुम लोग बताता हूं, चलो इधर आओ। सो गाइस यहां पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, ठीक है, एक सीरीज आरएलसी सर्किट है जिसके अंदर 220 वोल्ट सप्लाई लेके रखी है, आर दिया एल दिया इसकी लगा है, आपको क्वालिटी फैक्टर निकालना है, तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बेटा आप सभी को पता है, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर होता है, जहां पर ओमेगा नॉट होता है 1/√LC, तो 1/√LC इनटू एल बाय सी कर देंगे, तो क्वालिटी फैक्टर की हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 1/R, ठीक है, ये तो आर ही रहता है, ठीक है, सॉरी आर ही रहता है यहाँ पे नीचे, तो है ना, तो नीचे तो हमारा आर ही रहेगा, तो 1/R √LC हो जाएगा, यहाँ पे एल कितना है 10 और सी कितना है, कितना ये बने, तो और आर की वैल्यू कितनी है 1/10, तो 1/10 बाहर ही लिख रहे हैं दिया,
एल कितना है गाइस, मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मतलब 10 की पावर माइनस 2 होता है, और नीचे 10 की पावर माइनस 6 है, तो नीचे वाला 10 की पावर माइनस 6 इसके इधर आ जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 2 करके 10 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज द क्वालिटी फैक्टर शुड बी इक्वल्स टू 10, द क्वालिटी फैक्टर शुड बी इक्वल्स टू 10, द क्वालिटी फैक्टर शुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। जनरली अगर हम बात करेंगे क्रॉलिंग की, क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना, है ना, तो क्रॉलिंग जो एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होता है, तो बेटा जब भी मैंने बताया था जब जब वर्ड जिंदगी में क्रॉलिंग आ जाए, जब जब जिंदगी में क्रॉलिंग आ जाए, तुरंत मन में आना चाहिए सेवंथ हार्मोनिक। क्या आना चाहिए? सेवंथ हार्मोनिक। तो 1/7 ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड से आपका क्रॉलिंग में आपका डोमिनेंट हार्मोनिक रन करता है। फिर से बोलता हूँ, 1/7 ऑफ द स्पीड से क्रॉलिंग में डोमिनेंट हार्मोनिक से रन करता है। टेलीग्राम पे लिंक भेजो भैया, क्लास ज्वाइन करना जाना, तो एक बच्चा लिंक के बाद भेजते हैं, एक रहता ही रहता है, एक आप मान के चलो रहते रहता है जो क्लास की लिंक भेजने के बाद पूछता है, क्लियर है ना, क्लास की लिंक के भेजने के बाद पूछता है सर कहां पे आना है सर। अरे भैया मेरे लाल, मैं तेरे को कैसे समझाऊं बेटा, है क्या समझ, क्या होगा मेरे देश में, क्या होगा, ये सब कोविड वाली जनता है मालूम है, सब कोविड वाली जनता है, ये बड़े नहीं हो पाए 10वीं के बाद, कोविड वाली जनता। ये स्कूल स्कूल कॉलेज ना जाना ना बड़ा दिक्कत में आ गया, कसम से वो स्कूल कॉलेज में जाके वो जो डंडे डंडे पड़े ना एकदम, है ना, एकदम सुताई हो, वो होना चाहिए। आजकल के क्या पेरेंट्स लोग कर नहीं रहे, गलत कर रहे हैं, वो डंडे से सुताई होना बहुत जरूरी है, उससे क्या अपने आप सीख जाता है आदमी, फिर सिखाने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती, कुछ अपने आप सीखता है, सुताई होना बहुत जरूरी है, मैं बोल रहा हूँ जेन्युइनली बोल रहा हूँ। चलो तो जनरली अगर हम क्रॉलिंग की बात करें कि स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में, तो ये टेंडेंसी होती है कि स्टेबिलिटी रन करे 1/7 ऑफ द स्पीड पे, कहां पे करे ये, है ना, कहां पे रन करे ये 1/7 ऑफ द स्पीड पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन गाइस आप लोग को करना है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आज की क्लास का, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस आज की क्लास का। एक एनर्जी मीटर है जिसको हम लोगों ने डिजाइन किया है, ठीक है, हाँ जी, तो रावण बनाने गए होंगे, कल गया था एक रावण बनाने, मोहल्ले का रावण बना रहा है बैठ करके, मेरे को मिल जाए बस कसम से मैं ही उसके छेदों के अंदर बम रखा के उसको फोड़ दूंगा, मेरे को मिल जाए बस एक बार। एन एनर्जी मीटर इज डिजाइन टू हैव 100 रिवॉल्यूशंस ऑफ द डिस्क पर यूनिट एनर्जी कंज्यूम, द एनर्जी कंज्यूम बाय द लोड कैरिंग 50 एम्पीयर एट अ 230 वोल्ट एंड 0.8 पावर फैक्टर, फाइंड द परसेंटेज एरर इफ द मीटर एक्चुअली मेक्स 950 रेवोल्यूशन। जल्दी करेंगे, फास्ट फास्ट करेंगे, जल्दी 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 फास्ट, क्या बोल दिया रे, कुछ गलत बोल दिया मैंने, हैं क्या बोल दिया मैंने, ऐसे ही बोलता हूं, चलो जल्दी करेंगे फास्ट। जल्दी जल्दी करेंगे, तो बेटा देखो एक क्या क्या क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा सवाल है। एक एनर्जी मीटर है, बिजली मापी विद्युत मापी यंत्र है, उसमें 100 रिवॉल्यूशन होते हैं ऑफ द डिस्क पर यूनिट एनर्जी कंज्यूम, तो 100 रिवॉल्यूशन है ना, तो बीटा की वैल्यू बेटा मीटर कांस्टेंट गिवन है, 100 रिवॉल्यूशन पर एनर्जी कंज्यूम मतलब किलोवाट आवर, बेटा बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी गिवन है, बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 100 रिवॉल्यूशन पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बीटा दे दिया, मीटर कांस्टेंट मिल गया। अब एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है लोड के द्वारा, जो कि लोड 50 एम्पीयर करंट लेता है, 230 वोल्ट लेता है, 0.8 पावर फैक्टर लेता है, तो इसके अंदर जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है कितना एरर निकल के आता है अगर मीटर एक्चुअली एक्चुअली मतलब होता है मीटर सही में मेक करता है 950 रिवॉल्यूशन। चलिए भैया बहुत बढ़िया, तो बेटा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर कोई मीटर मेक करता है तो वो होता है बीटा इनटू किलोवाट आवर, फाइन ओके। तो बीटा की वैल्यू तो गाइस आपके सामने आज गिवन है कितनी, 100, बहुत बढ़िया। किलोवाट आवर कितना निकल के आएगा, तो किलोवाट आवर होगा वोल्टेज इनटू करंट इनटू पावर फैक्टर, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे किलोवाट के लिए, और आवर कितना है, तो आवर कितना है भैया, आवर कितना, आवर के बारे में दिखा है क्या कुछ, यूनिट एनर्जी रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर पावर फैक्टर परसेंटेज, तो नहीं आवर के बारे में कुछ लिखा, तो इनटू वन कर देते हैं भाई, नहीं लिखा तो कुछ बन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे जरा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्टेज इनटू करंट कितना दिया है, वोल्टेज 50 इनटू 230,
तो यहाँ पे देखोगे आप लोग 50 × 230 पावर फैक्टर कितना है, 0.8 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से ये निकल के आ गया, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 24 जा, तो 230 × 4 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 230 × 4 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 920 रिवॉल्यूशन, कितना निकल के आ जाएगा 920। तो कायदे से हमारा जो ये फॉर्मूला है, सुनना मेरी बात को बेटा, हमारा जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमको पता चलता है कि कोई एनर्जी मीटर कितनी डिस्क उसके कितने रिवॉल्यूशन बनाएगा, तो उस मीटर का मीटर कांस्टेंट इतना है और वो इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है, उसके हिसाब से उसको इतने रिवॉल्यूशन बनाने चाहिए थे, बट जब मीटर बनाने गया एक्चुअली में तो उसने मात्र उसने 950 बना दिए, बनाने उसको कितने चाहिए थे 920, बना कितने दिए 950। तो अगर कोई मीटर ने, मतलब ये इसकी ट्रू वैल्यू है, मेजर कितनी कर दी उसने 950 कर दिए, मतलब कुल मिला के आपके घर में 920 बार डिस्क घूमनी थी, घूम गई 950 बार, तो इस इंसान का बिजली का बिल ज्यादा आएगा कि कम आएगा? अरे भैया ज्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है, तो देखा क्या इतना आने कितना वाला था, डेट डजंट मैटर, आया इतना, तो बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ेगा। तो मीटर तेज चल रहा है कि स्लो चल रहा है? मीटर फास्ट चल रहा है, तो मीटर फास्ट चल रहा है, एक चीज तो तय हो गई, तो भैया या तो ये है या तो ये है। अब मीटर फास्ट चल रहा है तो कितना फास्ट चल रहा है भाई, 920 बनाने थे, बना 950 दिए, तो 30 एक्स्ट्रा बना दिए, किसके 920 के, तो 30 एक्स्ट्रा बना दिए 920 के, तो कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा ये, 30 एक्स्ट्रा बना दिए भाई 920 के, तो 920 के 30 उसने एक्स्ट्रा बना दिए, ठीक है, बनाने 920 थे, बना 950 दिए, तो 30 डिवाइडेड बाय 920 इंटू 100 कर लेंगे तो 3.2% आएगा, कितना आएगा 3.2%, तो करेक्ट आंसर इज 3.26%। मीटर तेज चल रहा है, तो मतलब आपके यहाँ पे अगर 100 रुपए का बिजली का बिल आना होता तो 100 रुपए की जगह 103 रुपए 26 पैसे का बिल आ जाता, समझ रहे हो, 103 रुपए 26 पैसे का दिला जाता एक बार। सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे फटाफट, आज सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे जल्दी से फास्ट जल्दी। जल्दी क्या बहुत चलिए, गुड इवनिंग देवेंद्र, चलिए रोज लाइक करते हैं सर, शेयर भी बहुत बढ़िया दीपक गुड, गुड इवनिंग अरविंद। बेटा ये जो बाकी के बच्चे गुड इवनिंग अभी करते हुए आ रहे हैं, ये 5 बजे क्यों नहीं आते, इनको आने में लेट हो जाते हो, बस लेट हो जाती है आने में, क्या हो जाता है, बस लेट हो जाती है, हैं क्या हो जाता है, पानी पूरी खाने वाले की दुकान पे भीड़ ज्यादा रहती है तो थोड़ा लेट हो जाता है निकलने में वहां से, क्या हो जाता है मतलब ऐसा, हाँ क्या हो जाता है, चप्पल टूट जाती है आते आते, तो कहीं रुक जाते हो, धीरे धीरे आते हो, क्या हो जाता है ऐसा कि लेट हो जाते हो, 5 बजे की क्लास में 5:15, 5:30 हो जाता है, क्या हो जाता है ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फुल चार्ज लीड एसिड बैटरी, इज एक लीड एसिड बैटरी का एक लीड एसिड, सर ऑफिस से लेट छूटे इसलिए कोई दिक्कत नहीं आना मेरा, आपका मेरे को पता है, बस लेट हो जाते हैं, एनर्जी गेन करते हैं क्लास के लिए, अच्छा एनर्जी गेन करते हैं क्लास के लिए, ओके बस छूट जाती है, अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी मेरे मुंह से निकलता कुछ अच्छा बस छूट जाती। चलो व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुल चार्ज लीड एसिड बैटरी, बेटा कुछ दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, मैं हमेशा है ना हमेशा लीड एसिड बैटरी के बारे में पूछता रहता हूँ, तो लीड एसिड बैटरी के बारे में अगर मैं पूछता रहता हूँ तो लीड एसिड बैटरी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है एक फुल्ली चार्ज लीड एसिड बैटरी की कितनी होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इट इज ऑलवेज 1.28, तो 1.28 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लीड एसिड बैटरी, ठीक है ध्यान रखिएगा, व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्प्लिट फेज मोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन, बेटा वो कौन से कनेक्शन है जिनको रिवर्स करके, वो कौन से कनेक्शन है जिनको रिवर्स करके, एंड आपकी क्लास ले रहे थे सर, क्या बात है देवेंद्र भैया बहुत बढ़िया गुड। चलिए तो बेटा रोटेशन स्प्लिट फेज जो मोटर होती है हमारी, उसकी डायरेक्शन को अगर हमको रोटेट करना हो तो हमको रिवर्स करने पड़ते हैं कनेक्शन को, रनिंग वाइंडिंग ओनली, स्टार्टिंग वाइंडिंग ओनली, आइदर 1 एंड 2 या बोथ एंड 1 2, तो किसी एक को आप रिवर्स कर दो तो ऑटोमेटिकली बेटा कनेक्शन आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये होती है आपकी मेन वाइंडिंग आपको पता है, और ये होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है, तो बेटा चाहे तो इसको रिवर्स कर दो या इसको रिवर्स कर दो, आइदर 1 और 2 किसी एक को रिवर्स कर दो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आपकी मोटर रिवर्स हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी मोटर उल्टा डायरेक्शन में घूमने लगेगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द केस ऑफ सर्किट ब्रेकर, अगर हम लेंथ ऑफ आर्क को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? दो कौड़ी का सवाल है या नहीं है, आप ही मुझे बताओ, दो कौड़ी का सवाल है या नहीं? दुनिया में आज तक मैंने सुना था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल अपॉन ए होता है। क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ पे ये लिखा है लेंथ जो है आर्क का बढ़ गया, तो लेंथ अगर बढ़ गया तो बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा भैया। लेंथ बढ़ती तो रेजिस्टेंस बढ़ता ही बढ़ता है। ऐसा पूरा हमको जब आप इतने बड़े थे, मैं भी इतना बड़ा था, चम्मच बराबर का, तभी पता चल गया था कि लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो रिगार्ड टू अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर हेल्प टू फाइंड। तो बट एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा? एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा? शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज, मोटर रेजिस्टेंस एज रेफर्ड टू स्टेटर, शॉर्ट सर्किट पावर। जल्दी बताएं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो विद रिगार्ड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर ब्लॉक रोटर टेस्ट मोटर हेल्प्स टू फाइंड। तो आपको बताना है एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होता है वो किस चीज को फाइंड करने में मदद करता है, तो मदद फाइंड करने में मदद किस में नहीं करता, ये आपको बताना है। तो यार अगर रोटर को ब्लॉक कर दोगे तो मेरे हिसाब से शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो जाएगा एक ट्रांसफार्मर के जैसा। तो शॉर्ट सर्किट करंट तो निकल गया, निकल के आएगा। शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो, मोटर रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, बट फिक्स लॉस जिसको आप लोग बोलते हो कोर लॉस, तो ये आप लोगों को नो लोड टेस्ट से निकलता है। ये कभी भी आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट से नहीं निकलता। क्या बात कर रहे हो सर, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। Which of the following is likely to have a positive temperature coefficient? बेटा positive temperature coefficient के लिए क्या करोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। positive temperature coefficient के लिए क्या करेंगे? जल्दी बोलेंगे फटाफट। positive temperature coefficient के लिए क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। positive temperature coefficient, which of the following is likely to have a positive temperature coefficient? अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके अंदर पाई जाती है? रबर के अंदर, जर्मेनियम के अंदर, मर्करी एंड नन ऑफ दिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू हैव अ लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट? जल्दी बता दो फटाफट कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो फटाफट कितना हो जाएगा, फास्ट जल्दी बता दो कितना हो जाएगा, जल्दी फास्ट। गुड। तो गाइस अगर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट, तो बेटा इनमें से अगर पॉजिटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट देखना होगा तो वो रबर का होता है, जर्मेनियम का होता है, मर्करी एंड नॉन ऑफ दीज। तो यार पॉजिटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट हमको किसका देखने को मिलता है? मर्करी का देखने को मिलता है पॉजिटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट। बाकी सबका जो यहाँ पर है वो क्या है बेटा? नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक एमीटर है जिसका 0 से 25 एम्पीयर की रेंज है और उसमें एरर दी हुई है 1% की, वो भी कहां पर? फुल स्केल पर। तो अगर हमको 5 एम्पीयर का करंट मेजर करना होगा तो लिमिटिंग एरर क्या होगी? बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसको मैंने पहले भी करवाया है आप लोगों को, बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसको मैंने पहले भी करवाया है। जल्दी करेंगे फटाफट, फास्ट जल्दी करेंगे फटाफट, इसको मैंने पहले भी करवाया आप लोगों को, जल्दी करेंगे फास्ट, डू फास्ट जल्दी। तो एक एमीटर है 0 से 25 एम्पीयर का रेंज का गारंटेड एक्यूरेसी उसकी 1% है फुल स्केल रीडिंग पर। ठीक है, तो यार फुल स्केल रीडिंग पर कितनी है, फुल स्केल वैल्यू कितनी है उसकी? तो फुल स्केल वैल्यू उसकी 25 है, 1% की एरर अगर उसके अंदर है तो 1% की एरर कितनी हो जाएगी? 1% की एरर हो जाएगी 25 × 1/100। तो 25 × 1/100 कितना निकल के आ जाएगा? 1/4 एम्पियर। तो ये 1/4 एम्पियर उसकी क्या निकल के आ गई? फुल स्केल पर एरर निकल के आ गई 1/4 एम्पियर। अब अगर उसको 5 एम्पियर मेजर करना हो तो लिमिटिंग एरर कितनी होगी? तो अगर 5 एम्पियर मेजर करना हो तो 5 एम्पियर मेजर करोगे तो या तो 1/4 पड़ेगा, या तो 1/4 कम पड़ेगा, या तो ज्यादा पड़ेगा। तो 1/4 पड़ना है उसको, वो भी 5 का × 100 कितना होता है बेटा? ये निकल के आ जाता है 25/, है ना, ये कितना निकल के आ जाएगा मेरे हिसाब से? 25/5, मेरे हिसाब से 5% आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज 0.25, है ना, 0.05 इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 0.05, 0.05 इज द करेक्ट आंसर। ये कौन गले हैं रे,
कौन कह रहे, कौन मेरे लाल, दिलो कौन दिलो टू फाइव तो लदाया, दिलो कौन दिलो टू फाइव नहीं आए दले, लिमिटिंग एलएल पूछला, एलएल एलएल पूछेगा तो 5 एम्पियर का 1/4 या तो ज्यादा पड़ेगा या तो कम पड़ेगा। 1/4 5 से कितना होता है? 5%। 5% मतलब 0.05। ना 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 जल्दी करो इस क्वेश्चन को फास्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन सर्किट? ये है I1 और ये है I2, इन दोनों के लिए सर्किट के लिए सही बात कौन सी है? जल्दी इन दोनों सर्किट के लिए सही बात कौन सी है जल्दी बताएंगे और सेक्शन को लाइक करते रहेंगे फास्ट। साइड प्लीज, साइड होने की जरूरत ही नहीं है इसमें। इसमें साइड होने की जरूरत नहीं, सोची इसमें साइड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। चल बेटा यहां पर देखो, एक तो पहले बात तो ये एक सर्किट लिख रही है और इस सर्किट को देख के आपको समझ में आ रहा है कि जो I1 की वैल्यू होगी, I1 अगर इधर जाएगा तो इधर से I2 आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर ऐसा होगा तो I1 की वैल्यू तो -I2 के बराबर ही होनी है। इसमें लिखा I2 greater than 1, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भैया, कभी भी नहीं हो सकता। I1 की वैल्यू 2 I2 नहीं हो सकता, I1 -2 है। तो देयर इज नो, ये क्या होता है देयर इज नो? अबे पागल है, ये क्या लिखा देयर इज नो? ऑप्शन पढ़ना है, देयर इज नो करंट इन द लूप। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा सर्किट के अंदर किसी तरीके का कोई लूप नहीं, इस सर्किट के अंदर किसी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है सर्किट में करंट क्यों नहीं फ्लो होगा? है ना, इस सर्किट के अंदर कोई बता सकता है ना, इस सर्किट के अंदर कोई बता सकता है करंट फ्लो क्यों नहीं होगा? इस सर्किट के अंदर बेटा करंट इसलिए फ्लो नहीं होगा, इस सर्किट के अंदर करंट इसलिए फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये 40 वोल्ट है और 40 वोल्ट है तो ऊपर वाला 40 हो गया, ये 40 है तो ये वाला भी 40 हो गया। और आप देखो ये 2 और 2 का में आ गए सीरीज में, तो ये 6 ओम हो गए। 40 -40/6 0 हो जाएगा। तो इस सर्किट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ओम अंकल जी ने बोला था, नमस्ते ओम अंकल जी, ठीक है, नमस्ते ओम अंकल जी। हाँ ओम अंकल जी को नमस्ते करेंगे सभी लोग और उनको बोलो कि यहाँ पर 40 ओम और आपने जो बोला था बिल्कुल वैसा ही हो गया। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस, उनके दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, व्हाट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक फ्रॉम आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ अ सिंगल फेज इन्वर्टर? एक सिंगल फेज इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म में से अगर हमको एक थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट करना हो तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है? सबसे सिंपल मतलब सबसे आसान मेथड कौन सा है जल्दी बताइए फास्ट। मुझे कुछ पल थे गुर्बत के, फकीरम के ये चाहत के, रहे बेचैन दिल कब तक, मिले कुछ पल बुरात के। जल्दी बोलो बे, इसके अंदर से एक सिंगल फेज इन्वर्टर है, एक सिंगल फेज इन्वर्टर जो होता है वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है। अब जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है ना बेटा, इसका टीएचडी 48% होता है, मतलब इसके अंदर टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन 48% का है। सबसे ज्यादा अगर हार्मोनिक्स किसी वेव में पाए जाते हैं तो वो एक प्योर स्क्वायर वेव होती है। अब इसमें से अगर मुझे थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो क्या करूं मैं? आप एक काम ये कर सकते हो सिंपल सा, अगर आपको लगाना है तो आप सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन लगा सकते हो, क्योंकि सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो होता है इससे आपका ऑटोमेटिकली जो आपका थर्ड हार्मोनिक वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेप्ड और मल्टीपल पे जाओगे तो भी थर्ड हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन उसने यहाँ पे सिंपलेस्ट मेथड पूछा था तो सिंपलेस्ट के लिए आप एक लगा सकते हो, वही बेटर है। ठीक है चलिए नेक्स्ट। एक सिंक्रोनस मशीन है विद लो वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो हैज, बड़ा ही प्यारा सवाल है जल्दी करेंगे फास्ट।
यहाँ पे देखें गाइस, एक सिंक्रोनस मशीन में लो वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो है। अगर बेटा शॉर्ट सर्किट रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओसीसी, मतलब ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उसमें रेटेड ईएमएफ डेवलप करवाने के लिए अपॉन फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस शॉर्ट सर्किट करंट चलने के लिए, ये हमारा शॉर्ट सर्किट रेशियो होता है। और अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लो है तो बेटा हम एक ही चीज बोलेंगे, एक चीज लो है तो स्टेबिलिटी लिमिट कम है, स्टेबिलिटी लिमिट ज्यादा है, स्पीड रेगुलेशन अच्छा है, गुड वोल्टेज रेगुलेशन, तो मैं आपको बोलूंगा कि बेटा इसका आंसर है लोअर स्टेबिलिटी लिमिट। याद रखना लो वैल्यू ऑफ एससीआर जो होता है बेकार होता है, बेकार होता है, क्या होता है बेकार होता है। तो याद रखना हाई वैल्यू ऑफ एससीआर अच्छा होता है, लो वैल्यू ऑफ एससीआर बेकार होता है। क्यों बेकार होता है? इससे आपका वोल्टेज रेगुलेशन घटिया हो जाएगा, इससे आपकी स्टेबिलिटी घटिया हो जाएगी, इससे दुनिया की सब चीजें घटिया हो जाएंगी एक लो स्टेबिलिटी लिमिट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। What is the dimension of copper strip used for strip earthing? अगर आप एक strip earthing करते हो, पत्ती वाली earthing करते हो, तो उसके लिए आपके पास जो dimension होंगे copper strip के वो क्या होंगे? जल्दी बताइए। यहाँ तुक्का सही हो जाता है, सोचिए एग्जाम में नहीं होता है ना, एग्जाम में नहीं होता है। अब आप लोग मेरे पास आ गए, एग्जाम में मैं भी साथ में बैठूंगा, आपकी चिंता मत करो, है ना। आप लोग के अगल बगल में मैं भी मिलूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों के अगल बगल में मैं भी मिलूंगा, तो याद कर लेना मेरे को एक बार, अपने आप तुक्का भी सही हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो Which of that, what is the dimension of the copper strip used for strip earthing? है ना, तो एक strip earthing की जगह पर अगर हम बात करें तो copper strip के लिए dimension क्या होंगे? तो यार strip की बात करोगे तो 25 mm की length होनी चाहिए strip की, है ना, ये length 25 mm की होनी चाहिए। और strip की जो thickness होनी चाहिए, strip की जो thickness होनी चाहिए वो basically कितनी होनी चाहिए? 4 mm। Next, इन अ फ्लो ट्रांसड्यूसर की अगर हम बात करें, फ्लो ट्रांसड्यूसर मैंने पढ़ाए थे आपको, याद हो जिस किसी बच्चे ने मेरी ट्रांसड्यूसर की क्लास पढ़ी होगी, है ना, जिस किसी बच्चों ने मेरी ट्रांसड्यूसर की क्लास पढ़ी होगी उनको ये पता होगा फ्लो ट्रांसड्यूसर क्या होता है। डैश इज नॉट यूज एट हाई फ्रीक्वेंसी, वेयर एज डैश इज सुटेबल फॉर सस्पेंडेड फ्लूइड्स। जल्दी बताए, ये बड़ा ही प्यारा सवाल है आज की क्लास का। ये सवाल बेटा आपको मेरी क्लास में देखने को मिलेंगे, YouTube पर आपके लिए कोई लेके नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना। ये जो मेरी बैकहेंड की मेहनत है ये आप लोगों को यहाँ दिख रही है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ बच्चे आज रावण बनाने गए हैं, ठीक है। रावण बनाते हैं घर में बैठ के, एक लकड़ी का सब पुतला लगा के उसमें घास फूस भर के ऊपर से लगा के रावण बनाएंगे और जलाएंगे और खुश हो जाएंगे, यही तो बच गया उनके जीवन में। और बाकी के जो है वो चींटी उंगली पकड़ के झांकी देखने जाएंगे शाम को आज, और वहां से एक त्रिशूल और एक तलवार खरीद के लेके आएंगे, और नहीं तो एक वो पुंगा खरीद के लेके आएंगे, जब हवा मारो उतना बड़ा हो जाता ऐसा, वो खरीद के लेके आएंगे, उसमें भी मजा आता है बच्चों। तो ये वाले बच्चे हमारे तो वो आज क्लास में आए नहीं है एक्चुअली, जब वो रिकॉर्डेड देखेंगे इसको तो उनको पता चलेगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, है ना, तो वो आज आए नहीं है, है ना, तो वो वाले बच्चे भी हमारे पास। चलिए, मेरे मुंह से फिर ना कुछ भी निकलता है। In a flow transducer, that is not suitable at high frequencies. तो याद रखना high frequencies के लिए हम किसको suitable नहीं करते? Orifice meter को। और याद रखना venturi meter जो होता है या venturi tube जो होता है वो हम लोग suspended fluids के लिए suitable करते हैं। तो हमारा जो suspended fluids होता है, ठीक है, जो हमारा suspended fluids होता है, clear है, जो हमारा suspended fluids होता है उसके लिए हम लोग venturi tube को use करते हैं। बहुत बढ़िया सर, चलिए। इन द करेंट, इफ द करेंट, अगर हम करेंट की बात करेंगे गाइस, अगर हम करेंट की बात करेंगे थ्रू अ कॉइल हैविंग एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी, ठीक है, इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 एम्पीयर टू 2 एम्पीयर इन 0.05 सेकंड्स, कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जल्दी करेंगे, क्या बात है आशु, बहुत बढ़िया, बधाई हो। कल बेटा तेरे से बात नहीं कर पाया मैं, शाम को तेरा पता नहीं फोन आया कि नहीं आया, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, बट ठीक है, मैं भी तुझे यही बोलने वाला था जो तूने किया। संदीप राय जी का पढ़ने में मन नहीं लगा है, चलो। तो गाइस यहां पे देखेंगे, इफ द करंट थ्रू अ कॉइल हैविंग एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी इज रिड्यूस फ्रॉम 5 एम्पीयर टू 2 एम्पीयर इन दिस, तो यार ईएमएफ इंड्यूस की एवरेज वैल्यू क्या होगी? तो गाइस ईएमएफ कितना होता है हमारा? एल डी आई बाई डी टी होता है, ठीक है। जहां पे गाइस अगर हम एल की बात करेंगे तो एल हमारा 0.5 हेनरी है, जो हमारा चेंज इन करंट है वो 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर, मतलब 3 एम्पीयर का करंट में चेंज आता है, और वो भी 0.05 सेकंड्स में। तो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस निकल के आ जाएगा
वो आ जाएगा 0.5 × 3 डिवाइडेड बाय, अगर हम करने जाएंगे तो वो जाएगा 5 × 100। तो यहां से अपन लोग नीचे इतना निकल के आ जाएगा, तो 5 2 हो जाएगा 5 3 और 15 2 30। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बेटा, -30 वोल्ट। कितना हो जाएगा? -30 वोल्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर की अगर हम बात करें तो प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस प्रोड्यूस एरर विच इज, एक ईडीआई इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करने जाऊंगा, एक ईडीआई इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करने जाऊंगा, एक ईडीआई इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करने जाऊंगा, तो जो हमारा प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस है वो जो एरर प्रोड्यूस करता है वो किस तरीके की एरर होती है। फिर से मैं बोलता हूँ, एक ईडीआई इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करने जाऊंगा तो प्रेशर कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है वो किस तरीके की एरर प्रोड्यूस करता है। तो गाइस प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस जो होता है, प्रेशर कॉइल का एक्चुअली एक ईडीएम इंस्ट्रूमेंट के अंदर, क्लियर, एक ईडीएम इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, क्लियर, एक ईडीएम इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो एक ईडीएम इंस्ट्रूमेंट के अंदर गाइस मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि एक ईडीएम इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर प्रेशर कॉइल जो होती है, जो प्रेशर कॉइल होती है वो हाईली रेजिस्टिव होती है। और अगर प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव होती है बट प्योर रेजिस्टिव नहीं हो पाती, हम चाहते हैं कि वो प्योर रेजिस्टिव है बट प्योर रेजिस्टेंस हो नहीं पाता, हल्का फुल्का इंडक्टेंस आ ही जाता है जिस वजह से एरर आती है। अब ये एरर जो होती है बेसिकली पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो याद रखना, अगर लो पावर फैक्टर है तो ये एरर ज्यादा होती है और अगर हाई पावर फैक्टर है तो ये एरर कम होती है। कुल मिला के ये एरर जो है वो पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर पावर फैक्टर हाई है, याद रख लेना, ये याद रख लो, बस ऐसे याद करते हैं, एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर इन ईडीएम, ऐसे शॉर्ट नोट बनाते हैं इन ईडीएम, ठीक है, ऐसे करके बना लेते हैं, एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर इन ईडीएम, द हायर एट लोअर पावर फैक्टर और लोअर एट हायर पावर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 8 पोल 50 हर्ट्ज की 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इज रनिंग एट 705 RPM, हैज अ रोटर कॉपर लॉस ऑफ 5 kW, इट्स रोटर इनपुट इज, जल्दी बताएंगे कितना होगा। सर आज भोपाल देख लिया, भोपाल देख लिया तूने, आज क्या बात कर रहा है, कैसा लगा तेरे को भोपाल देख लिया तूने, कैसा लगा तेरे को, मजा आ गया तेरे को, हाँ कुछ खिलाया पिलाया नहीं उसको, कुछ खिलाया पिलाया उसको कि नहीं, कि ऐसे ही आ गया मुंह देख के। सर आपका नंबर दे दो बेटा। संदीप ये YouTube का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे फोन नंबर शेयर नहीं करते, ये जैसा पब्लिक प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप भी अपना कृपया करके फोन नंबर किसी को ना शेयर करें। चलिए तो गाइस अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक 8 पोल 50 हर्ट्ज का 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो कि 705 RPM पर रन करता है, तो अगर वो 705 RPM पर रन करता है तो बेटा उसकी रोटर की स्पीड तो कितनी हो गई, 705 हो गई, और रोटर के कॉपर लॉस की अगर हम बात करेंगे तो रोटर के कॉपर लॉस उसके 5 kW हो गए, रोटर के कॉपर लॉस उसके कितने हो गए, 5 kW। अब आती है बात उसका रोटर का इनपुट क्या होगा, तो बेटा रोटर के इनपुट को बोलते हैं P2। तो याद रखना आपसे, रोटर का जो कॉपर लॉस होता है वो होता है आपका S × P2, जहां पे S क्या होता है मेरे लाल, स्लिप होती है। अब 8 पोल की अगर मशीन है तो जो NS होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी ना, वो मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 120 × F/P, तो 120 × F/P 8 निकल के आ जाएगा, तो 4 3 12 होता है, 4 2 8 होता है, तो 25 × 75, तो 750 के आसपास आ जाएगा, ठीक आ जाएगा 750 RPM। तो स्लिप कितना निकल के आ जाएगा, NS − NR/NS, तो ऊपर का निकल के आ जाएगा 45 / 750, तो 45 / 750 अगर मैं करने जाऊंगा तो यहाँ से जो मेरा स्लिप निकल के आ जाएगा, मैं पूरे कैलकुलेट कर देता हूँ, क्योंकि मास्टर क्या है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में एक बार लिखेंगे मास्टर क्या है, मास्टर पूरा कैलकुलेट करेंगे। हम क्यों कैलकुलेट करेंगे सर, हम तो पढ़ने लिखने आते हैं, है ना, तो आप ही पढ़ाओगे, आप पढ़ाने लिखाने आते हो, हम पढ़ने लिखने आते हैं वो बात की बात है, आप पढ़ाने लिखाने आते हो सर, तो आप पढ़ाओगे भी और लिखाओगे भी सर, हम क्यों कुछ करेंगे सर, मास्टर क्या है, मास्टर क्या है, क्या है मास्टर, मास्टर सब कुछ करेंगे, पूरे करवाएंगे ये। तो स्लिप है आपका 0.06 × P2 की अगर हम बात करेंगे तो P2 क्या होती है, एयर गैप पावर या रोटर पावर इनपुट, और ये रोटर कॉपर लॉस है, तो ये रोटर कॉपर लॉस होता है। तो गाइस 5/5 / 0.06 अगर मैं करता हूं तो ये 83 निकल के आता है, कितना निकल के आता है, 83.33 kW, ये कहलाता है गाइस आपका क्या, रोटर पावर इनपुट, ये क्या कहलाता है, रोटर पावर इनपुट, ये क्या कहलाता है, रोटर पावर इनपुट। मास्टर क्या है, मजदूर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या हो गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत उमदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आया, टिंग 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 टिंग
डिंग। इनमें से कौन सा डिवाइस है बेटा जो 12 वोल्ट की सप्लाई कर रहा है, जल्दी बताओ। सर तो आपसे बात कैसे हुई ये तो बताओ। आपको मेरे से बात करनी है, आप मुझसे टेलीग्राम पे बात करिए। टेलीग्राम चैनल की आईडी में 6 बजे आपको शेयर कर दूंगा इसी क्लास के अंदर। सर आज परेशान लग रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो, परेशान हो मेरे दुश्मन, मैं कहाँ परेशान होऊंगा, मैं कहाँ से परेशान हो जाऊंगा यार। परेशान हो मेरे दुश्मन, बहुत अच्छा काम करता है बेटा मुन्ना भैया, तू तेरे को डंडे मारेंगे सबसे पहले आके इधर। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे जरा सभी लोग, 12 वॉट की सप्लाई कौन कर रहा है, कौन सा डिवाइस। तो बेटा इस डिवाइस को जरा आप देखोगे ये प्लस माइनस लिखा हुआ है और इसके अंदर करंट आता है 3 एम्पियर का। तो इसके जब जब बेटा पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगा समझना पावर ले रहा है, और जब जब पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर होगा समझना पावर डिलीवर कर रहा है। सप्लाई मतलब क्या होता है, डिलीवर करना। तो चेक करो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर करंट किस किस में हो रहा है। ये एक पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर हो रहा है, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर हो रहा है, बस ये दोनों ही हो रहे हैं। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो एक बी है और एक सी है। चलो इस क्वेश्चन को करो, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? चलिए फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू आर। बेटा मैक्सिमम पावर निकालनी है रेजिस्टेंस के अंदर, मैक्सिमम पावर निकालनी है रेजिस्टेंस के अंदर एज शोन इन द सर्किट। चलिए बताएंगे। तो रेजिस्टेंस के अंदर अगर मैक्सिमम पावर आपको कैलकुलेट करनी है तो फटाफट जल्दी से कैलकुलेट करें। तो मैक्सिमम पावर निकालनी है रेजिस्टेंस के अंदर, तो मैं आपको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ डायग्राम को, तो अच्छा लगेगा आपको। आपको अच्छा लगना बहुत जरूरी जिंदगी में, तो बड़ी चीजें क्या अच्छी लगती है देख के। ये देखो है ना, तो ये देखो ये 2 एम्पियर है। चलिए करो, पूरा नहीं दिख रहा है। सर मुझे आपका पावर सिस्टम का कोर्स लेना है, कैसे परचेज होगा? श्वेता उसके लिए मैं आपको क्लास के बाद बता दूंगा कैसे आपको लेना है, ठीक है? मैं आपको क्लास के बाद बता दूंगा, 5 मिनट का वेट करो और आप फिर मुझे टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर लीजिएगा, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे लेना है, ठीक है? आप मुझसे टेलीग्राम पे रीच आउट कर लीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलो तो भैया क्या निकालना था जरा देख लेता हूं मैं। फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू रजिस्टर आर। भैया इसके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालनी है लोड रजिस्टर आर से। ये जो लोड रजिस्टर आर दिख रहा है ना तुमको, इसमें से मैक्सिमम पावर निकालनी है। दो कौड़ी का सवाल है सही बताऊं तो, दो कौड़ी का सवाल है सही बताऊं। प्यार हो गया तेरे को पावर सिस्टम से? बेटा एक बार बता संदीप, तू मजाक करने आया है क्या? तो तू यकीन मान मैं तेरे से बहुत, तेरे से ज्यादा अच्छा मजाक करता हूँ, यकीन मान तू। पूछ, यहाँ पे इतने गवाह हैं। चलो यहाँ पे बेटा लोड रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फाइन, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस हमको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी हमको मैक्सिमम पावर यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। तो सबसे पहले काम करते हैं इस दोनों टर्मिनल पे वीटीएच निकालते हैं, थेवेनिन थ्योरम और आरटीएच कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर जब मुझे आरटीएच कैलकुलेट करना हो, तो आज मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को बताया है या मैंने हमेशा पहले भी पढ़ाया है, जब भी आपको इसके अक्रॉस आरटीएच कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे बेटा, वोल्टेज सोर्स हो जाएगा आपका शॉर्ट, ये देखो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, ये करंट सोर्स आपका ओपन हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका कितना बढ़िया शॉर्ट। उसके बाद देखोगे तो आप ये भी आपका बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स भी आपका कितना हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है? ये वोल्टेज सोर्स भी आपका कितना हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस आपका ऐसा कैसे रहने वाला है और ऊपर वाला रेजिस्टेंस भी आपका ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। अब देखो जरा ये क्या हो जाएगा, तो बेटा गौर से देखोगे जरा, तो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा से शॉर्ट हो जाएगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस हो गया और ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, और पैरेलल में आ जाएंगे तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2.5। कितनी हो जाएगी? 2.5। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आरटीएच कितना आ जाएगा आपका,
2.5 ओम आ जाएगा। अब आता है किसके पास ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो इसके पास अगर ओपन सर्किट वोल्टेज आप लोगों को कैलकुलेट करना हो तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अपना ब्रेन को यूज करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो आपको अपना थोड़ा सा ब्रेन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, तो कुल मिला के आप यहाँ पे ये लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे करंट देख सकते हो, तो ऐसे करते करते VTH भी कैलकुलेट हो जाएगा। जब VTH कैलकुलेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH आपका निकल के आ जाएगा क्या मैक्सिमम पावर। सब इंजीनियर के लिए रैपिड फायर सीरीज यही है मुकेश भैया, यही ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करना आज आप लोग घर पे, 3.025 आता है, ट्राई करना घर पे 3.025 आता है, क्लियर है, 3.025 आता है, ट्राई करिएगा। सिर्फ RTH निकाल के ऐसा करके नहीं, बट जब RTH आ रहा है 2.5 2.5 2.5, बाकी मास्टर करेंगे, मास्टर करेंगे, भाई आप VTH भी तो निकालो, VTH भी तो कैलकुलेट करो। चलो, एक टू पोर्ट नेटवर्क है उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं व्हेन द फॉलोइंग क्वालिटीज होल्ड्स गुड। गुड की बात हो रही है, तो टू पोर्ट नेटवर्क को सिमेट्रिकल तब बोला जाता है जब Z11 इक्वल टू Z22 होता है, Z11 इक्वल टू Z22 होता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, है ना, इस सिमेट्रिसिटी। थोड़ा सा साइड हो जाए, स्क्रीनशॉट लेना, ये लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, किस किस को लेना स्क्रीनशॉट ले लो भैया, चलिए। दो वॉट मीटर है उनको यूज किया जाता है मेजर करना पावर इन द थ्री फेज बैलेंस सिस्टम। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द लोड व्हेन व्हाट वॉट मीटर रीड ट्वाइस ज्यादा है। तो बेटा अगर एक वॉट मीटर मेरा दो गुना ज्यादा पड़ता है, मतलब दो गुना ज्यादा पड़ता है दूसरे वॉट मीटर से, तो पावर फैक्टर एंगल का फॉर्मूला होता है मेरा 10 inverse of √3, देन होता है बेटा मेरा W1 minus W2 upon W1 plus W2। तो यहाँ पे मेरा W1 और W2 के बीच में रिलेशन है, ऊपर कितना है 2W2, है ना, 2W2 minus W2 मतलब 1W2 और नीचे 1 और प्लस 2 3, तो W2 से 1/√3 हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 10 inverse of 1 upon √3। जीरो अब तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से 30 degree निकल के आ जाएगी, तो cos 30 कितना निकल के आ जाएगा आपका 0.866। क्या बात कर रहे हो सर, यस, क्या प्यारा सवाल था ये। क्वेश्चन तो गेट में भी आ जाता है कभी कभी, एक नंबर में ये क्वेश्चन तो कभी कभी गेट में भी आ जाता है एक नंबर में। सभी बच्चे एक बार दिल से सेशन को लाइक करेंगे यार, सभी बच्चे एक बार दिल से सेशन को लाइक करेंगे फास्ट, जितने भी बच्चे अवेलेबल है क्रॉस द लाइन टू 80। ये आपकी यूनिटी और ये आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए यार, ये आपकी यूनिटी और ये आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए, और तो फिर जिंदगी में क्या ही हमारा प्यार है। जब मुझे आपकी जरूरत हो तब आप मुझे चाहिए, जब मैं आपको मेरी जरूरत होती है मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ आपके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो गाइस, आप सभी लोगों को मेरी वीडियो दिख रही होगी, तो इस वीडियो के जब नीचे आप आते हो, इस वीडियो के जब आप नीचे आते हो तो अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी चीज है। जो भी बच्चे बेटा DRDO की एक्चुअल में तैयारी करना चाहते हैं उनको यहाँ पे क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DRDO सेप्टम 10 में, ठीक है। और जो भी बच्चे SSC JEE इंडिया के दूसरे JEE एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनको क्लिक करना है AEJEE इलेक्ट्रिकल पे। तो अगर बेटा आप DRDO पे क्लिक करते हो तो देखो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या मिलता है, जितने भी बच्चे मेरे DRDO वाले उनको मैं बताना चाहता हूँ आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो बेटा आपको मिलता है, आप जो भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, अगर आप बिलोंग करते हो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो देखो आपको क्या मिलता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, आपको मिलता है आपका जो STAA है टेक्नीशियन वाला बैच, ये रहा आपका टेक्नीशियन वाला बैच, और ये रहा आपका STAB, ये मेरा खुद का बैच है गाइस, तो ये रहा मेरा STAB का डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। ऐसे ही EC ब्रांच के जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए STAB डिप्लोमा का बैच रहा। अच्छा, रिसेंटली अभी IMD की पोस्ट आई है SSC में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विभाग में, 1000 पोस्ट आई है। तो बेटा जो भी बच्चे IMD की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए DRDO STAB का बैच ये वाला बेहतरीन है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और A के लिए ये वाला है। मैकेनिकल के जो बच्चे होंगे उनके लिए मैकेनिकल के बैचेस अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे उनके लिए सिविल के हैं, और जो CBT वाला आपका नॉन टेक्निकल का है तो उसके लिए ये बैच है। इन सारे बैचेस के लिए आपको अलग से अमाउंट देना नहीं पड़ता, आप बस टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब करते हो तो सारे बैचेस मिलते हैं। इन्हीं के साथ गाइस इंडिया के जो और अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे निम्बस लर्निंग, EAT देहरादून, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, सॉलिड इंस्टीट्यूट,
ठीक है, वीक एंड नॉलेज, फिर संकल्प क्लासेस, ये सारे इंस्टीट्यूट भी अब आपके साथ टेक्स्ट बुक पे एज अ सुपर टीचर्स हैं, वो भी सारे टीचर्स का कंटेंट भी अब आपके पास यहीं पर अवेलेबल है, सारे टीचर्स आपके साथ यहीं पर अवेलेबल है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मैं आपको यही बोलूंगा, यहाँ पर आपको मिलता है हर संडे को मेरा स्ट्रेटेजी सेशन, हर मंडे थर्सडे को मेरे डाउट सेशन, ठीक है, और डाउट प्रैक्टिस सेशन मिलते रहते हैं कंटिन्यूअसली आपको, प्लस आपके पास सारे डीआरडीओ के एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल होगी, टीयर वन की भी, टीयर टू की भी, टेक्नीशियन की भी, एसटीबी की, आप सारी टेस्ट सीरीज देख सकते हो। और गाइस का कॉस्ट आप लोगों के लिए सिर्फ 12 मंथ्स के लिए 7,000 का है, और अगर आप यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड करते हो, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड करते हो, ठीक है, अप्लाई कूपन कोड करते हो मोहित के, तो गाइस मोहित के जब आप अप्लाई कूपन कोड कर देते हो तो यही आपको सिर्फ 12 मंथ में 4,874 का मिलता है। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है डीआरडीओ भी देना, एसएससी जेई भी देना, और इंडिया के सारे जेई एग्जाम देना चाहता है, तो वो इसको ना क्लिक करके यहां पर क्लिक करे एई जेई इलेक्ट्रिकल पर, और जब वो एई जेई इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करेगा मेरी वीडियो के अंदर, ठीक है, कूपन कोड वही लगाना मोहित के, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर डीआरडीओ का बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको एसएससी जेई का नॉन टेक भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इंडिया के सारे एई जेई के बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर नॉन टेक्निकल की भरमार मिलेगी पूरी पूरी, डीआरडीओ का बैच तो मिलना ही मिलना है आपको, स्ट्रेटेजी के भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे एसएससी जेई का बैच भी मिल जाएगा, सारी चीजें आपको इकट्ठी एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है, प्लस आपको एसएससी जेई की स्पेशल सीरीज जो 33 चल रही है वो भी मिल जाएगी, बट इसकी जो कॉस्ट है वो हल्की सी 500-600 रुपए ज्यादा है, ठीक है, तो ये पड़ेगा आपको अप्लाई कूपन कोड करने के बाद, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड करते हो मोहित के, तो मोहित के ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यही आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट होता है, डेटा सबसे ज्यादा यूज होता है, तो ये आपको 5,394 का मिलने वाला है, तो जो बच्चे जिस तरीके के उस तरीके से वो ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, क्या हो, चलो क्या हो गया, काहे पर फिर से परेशान हो गए, पागल वागल हो गए फिर से, क्या हो गया दीपक, दीपक पावर सिस्टम यूट्यूब पर है, नहीं पावर सिस्टम लेना है सर आपका, गजेंद्र वर्मा जी, अगर जिनको, अच्छा जिन भी बच्चों को मेरा पावर सिस्टम पढ़ना है वो सारे ही बच्चे मुझे अभी टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, टेलीग्राम की लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिन भी बच्चों को जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन है, तो आप लोगों को मैं अपना 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे पावर सिस्टम आपको पढ़ना है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, जिन भी बच्चों को मेरे से पावर सिस्टम पढ़ना है तो मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है, ठीक है, तो टेलीग्राम पे अभी 6 बजे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, ये मेरे टेलीग्राम चैनल की आईडी है, इसको सभी लोग ज्वाइन कर लें एक बार फटाफट, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल आईडी, तो फटाफट इसको सभी बच्चे ज्वाइन कर लें एक बार, ताकि आपको सारी मेरी क्लासेस की लिंक मिलती रहे, और फिर मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके से, तो थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।